20 नवंबर का ना मतलब देसी ब्लॉगर का पहला मीटअप है सिलीगुड़ी पर, एंड ये ग्रैंड करेंगे हम। सो गाइस, ये पेड़ एक्चुअली बीच में हमारा ट्री हाउस का। सो गाइस, या इट्स 2:12 इन द आफ्टरनून एंड आज आपको हम दिखाएंगे अपना क्या रे की ना ग्लास तो सब बंद था। ओ एंड आज आपको हम दिखाएंगे अपना ट्री हाउस जो कि बन चुका है, लगभग 70% बन चुका है और 30% बाकी है। 30% में मतलब फिनिशिंग डन एक्चुअली, एंड लाइक हम बताएंगे आपको यार, मतलब पूरी तरीके से नहीं दिखाएंगे, आपको हिंट्स देंगे। एंड टॉयलेट बाथरूम का फ्रेम अच्छी तरीके से हो चुका है, बस चेक दिस आउट एंड ऊपर ट्री हाउस। एंड हमें यहाँ पे अभी यहाँ पे कुक चाय हमारे यहाँ पे उबल रहा है, देखिए। And it's lunch time, तो lunch हम करने जा रहे हैं। So what's up people, this is Arjun here and once again welcome back to my YouTube channel, Desi Vlogger। तो कैसे हो guys आप लोग, hope कि आप सब अच्छे हो, अच्छे ही रहना। It's 15th of November and लगभग और 10 दिनों के अंदर हमें पूरा काम निपटाना है। 27th को हमने ओपनिंग का प्लानिंग सोचा है, संडे को, एंड या 27th को ही होगा। काम खत्म होगा या नहीं होगा पता नहीं, मगर ओपनिंग 27th को होगा। एंड रमेश देखो दिखाए कि ना दिखाए, आज ना दिखाए या चलो कोई नहीं, नहीं 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 दिखाएंगे। एंड एक बार फिर से झलक झलक झलक, एंड इधर भी देखो यार, मतलब क्या बोलते हो। एंड एक बार रमेश दा को भी देखो, ये चाय था कि ना या बढ़िया। ओ स्पून तो गंदा सा नहीं हो, स्पून कर लो, इसको धो दो यार थोड़ा ज़्यादा। जनाब चाय रेडी हो चुका है, एंड यहाँ पर है सब्जी, इसे हम कहते हैं राई को साग, या हियर इट इज। एंड यहाँ पर है चपाती, एंड ये रोटी हमने खुद बनाए है एक्चुअली। एंड यहाँ पर है अपना चाय, एंड रमेश दा वहाँ पे ग्लास निकल रहे हैं। रमेश दा का चेहरा सख्त मना किया है, ओके देख रहे हो, हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय। ट्री हाउस का और कितना काम बाकी है बता दो जरा। थोड़ा थोड़ा एक दिन में हो जाएगा, लेकिन अभी तो चादर एक ठो नहीं आया ना, इसीलिए मतलब सामान का, हाँ सामान का थोड़ा प्रॉब्लम है ना, इसीलिए एक ठो आने से तो हो जाएगा। गाइस एक्चुअली मतलब इस तरीके के मतलब जो खाना हम खाते हैं ना लंच अक्सर यहाँ पर आके, मतलब ये अलग ही वाइब्स देता है। एंड आई नो आप में से काफ़ी लोग पसंद करते हो मतलब ऐसे जंगल पे जाकर, कोई मतलब ऑफ बीट डेस्टिनेशन पर जाकर कुछ इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट कर एंड लाइक दोस्तों के साथ अच्छे टाइम स्पेंड करना। तो कोई नहीं यार, मतलब आने वाले दिनों में ना आप यहाँ पर आके सब चीज़ कर सकते हो। हालाँकि आप खुद भी पकाना है तो खुद भी पका सकते हो, या हम भी दे सकते हैं, या मतलब कुछ भी चलेगा यार, मतलब भाई हम क्या बोलते हैं। तो चलो पहले हम डिनर बोल रहे हैं, पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। स्पेशली मुझे ट्री हाउस के ऊपर चढ़ के आपको दिखाना है। लंच करके ना काफ़ी काम हमने कर चुके हैं, एंड इट्स 4:15 इन द इवनिंग को हम अपना बाथरूम दिखाते हैं। टॉयलेट बाथरूम कम्बाइन है, पहले सोचे थे मतलब टॉयलेट अलग बाथरूम अलग करेंगे बोल के, मगर नहीं यार अभी फ़िलहाल के लिए हम मतलब एक ही जगह रख रहे हैं। मतलब स्पेस वाइज काफ़ी कम्फर्टेबल स्पेस रहेगा, ऐसा नहीं कि काफ़ी छोटा रहेगा, काफ़ी बड़ा ही रहेगा, बस एंट्री करते हैं। तो यार ये रहा हमारा टॉयलेट बाथरूम, एंड मतलब अभी फ़िलहाल ये तो बंद रहा है, अभी काफ़ी काम बाकी, ऊपर छत आना बाकी है, या ऊपर छत लगाओ या ना लगाओ, ऐसे मतलब खुले तारे देखकर नहाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। मगर या दिस इज़ द एरिया, काफ़ी बड़ा स्पेस है, एंड कहाँ पे इंग्लिश पेन होगा, कहाँ पे मतलब बाथरूम वाला सेक्शन होगा, वो डिवाइड करके आपको जल्दी दिखाएंगे, बुलाएंगे। एंड तो चलो अभी हम आपको ट्री हाउस के ऊपर ले जाकर दिखाएंगे अपना ट्री हाउस, फिर भी काफ़ी सस्पेंस में रखूँगा, अभी भी काफ़ी कुछ काम बाकी है, लगभग 30% काम बाकी है। तो उसके चलते बस आपको एक हल्का सा झलक ही दूंगा बस गाइस, मतलब पूरा मतलब ओवरऑल वहाँ से क्या दिखता है, कहाँ से क्या दिखता है वो नहीं बताऊँगा। ट्री हाउस के ऊपर चढ़ेंगे, कुछ जो देखने लायक चीज़ें वो दिखाएंगे, एंड बाकी बचा मतलब आपके लिए सरप्राइज रखेंगे, क्योंकि सरप्राइज रखना बहुत ज़रूरी है। एंड ऐसे करके आप चढ़ोगे ट्री हाउस के ऊपर जैसे हम चढ़ रहे हैं अभी, काफ़ी मुश्किल है यार, मतलब सही बता रहा हूँ। परसों सुबह ने देखे थे तो बोले स्पाइडरमैन जैसा चढ़ रहा है, तो भाई सीन कुछ ऐसा ही है। तो यह लगभग चढ़ चुके हैं, एंड अभी कैमरा को यहाँ पे रख रहा हूँ, उसके बाद हम आ रहे। गाइस हमारे ट्री हाउस पे चढ़ना मतलब इजी मत समझना, बहुत मेहनत करना पड़ता है, मगर ये फ़िलहाल के लिए आप लोगों के लिए हम स्पेशल स्टीयर बनाएंगे, या देखेंगे कि कैसा क्या मैनेज होगा उस तरीके से करेंगे। ये तो बस अभी शुरुआत है, एंड या हेयर इज़ द ट्री हाउस, एंड बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बड़ा सा जायंट सा पेड़। तो सोने के लिए स्पेस यही है मेरे विचार से ना, मतलब तीन आदमी आराम से कंफर्टेबली यहाँ पे स्टे कर पाएंगे, तीन आदमी, मगर वैसे हम बना रहे दो आदमी के लिए, क्योंकि लगेज के साथ
अगर होता है तो फिर दो आदमी के लिए परफेक्ट रहेगा, या ऐसी अगर तीन आदमी वो नॉर्मल बैग के साथ आओगे तो फिर तीन आदमी भी चलेगा। एंड यहाँ से आगे का दृश्य बहुत ही कमाल का, यहाँ पे बैठ कर चाय पी कर मतलब देखना ज़रूरी है, क्या बोलते हो? ऊपर का जो सेक्शन है छत का वो लग चुका है हमारा, बस एक्चुअली मतलब मेजरमेंट में गलती हुआ था तो उसके चलते एक टीन का जो पत्ती है ना वो कम आया, तो इसलिए काम या फिर रुका हुआ है। तो अगर उस दिन कोई मतलब सारा सामान आता तो अभी मतलब छत वाला जो सेक्शन था वो मतलब कंप्लीट हुआ होता, मगर क्या करें, मतलब सामान कमती आया, मेजरमेंट गलत हुआ, मगर कोई नहीं, कोई खेत नहीं, फिर सामान ला कर ना इसको कंप्लीट करना है, मगर उसके ऊपर हम चढ़ के अभी दिखाएंगे आपको। अनिया हियर इट इज़। तो बताओ गाइस कैसा लग रहा है? वैसे मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, खूबसूरत, क्या बोलते हो? तो या अब इसके ऊपर चढ़ के ना आपको ऊपरी सेक्शन वाला दिखाएंगे, ऊपरी भाग वाला, मगर चढ़े तो कैसे चढ़े, कहाँ से चढ़े? कल तो भैया आराम से चढ़े थे, बट मुझे ना मतलब उतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस ऐसा चीज़ों को लेकर, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, मगर फिर भी आई विल ट्राई। इसको थोड़ा पीछे रख देते ना मिया, शायद अब चढ़ पाएंगे। लेट मी सी, लेट मी ट्राई। सो गाइस हाल फिलहाल के लिए आपको कुछ ऐसा ही हम दिखा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी रिस्की यार, मतलब यहाँ बटन के ऊपर मतलब इतना बैलेंस करके बैठा हो ना, वो मुझे पता है, यहाँ से गिरे ना तो फिर देखो नीचे कहाँ कहाँ गिरेंगे, कैसे गिरेंगे। एंड सामने का दृश्य कुछ ऐसा, जिससे ये पेड़ एक्चुअली बीच में हमारा ट्री हाउस का, एंड यहाँ पे अभी काम बाकी है, मोटा मोटी पीछे वाला जो काम है ना इस तरफ वाला सेक्शन ये ख़त्म हो चुका है, ये अच्छे से लग चुका है, एंड अभी यहाँ का ये वाला सेक्शन काम बाकी है, तो ये थोड़ा सा पोर्शन अभी लगाना बाकी। एक्चुअली कल एक टीन शॉट हुआ तो उसके चलते काम यहाँ पे रुका हुआ है। ओवरऑल या कुछ ऐसा बहुत ही बढ़िया, जस्ट लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। ये देखो मतलब यहाँ पे आके सोएंगे ना तो फिर ये पेड़ के ठीक नीचे हम सोना पड़ेगा। सनसेट वहाँ पर हो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी भी हमारा काम पूरा बाकी है, मतलब डाइनिंग किचन डाइनिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बस टेंट के लिए जो स्पेस चाहिए था हमें वो ही हुआ है बस। एंड अभी लगभग ट्री हाउस 70% 30% और बाकी है। टॉयलेट बाथरूम वहाँ पर, टॉयलेट बाथरूम का भी काम लगभग हो चुका है। अभी पत्थर मतलब फ्लोर पर बिछाना है, एंड लाइक इंग्लिश पेन लाना है, एंड छत लगाना है, उसके बाद दरवाज़ा कुंडी लगाना है, बस टॉयलेट बाथरूम का काम ख़त्म, एंड देन ट्री हाउस, एंड देन किचन डाइनिंग, फिर टेंट, फिर साफ़ सफाई। एंड 27 को हम ओपनिंग कर रहे हैं, होपफुली मतलब 27 को ओपनिंग हो हमारा, मैं मतलब बहुत उम्मीद लगा रहा हूँ, मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि उसी हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा ना हो यार मतलब कुछ सामान नहीं मिला, एंड लाइक कैंसिल हो, पोस्टपोन हो, मतलब मैं पोस्टपोन करना नहीं चाह रहा हूँ गाइस, सही बता रहा हूँ। फिलहाल के लिए ये हमारा अभी तो बस काम फटाफट चल रहा है, क्योंकि हम दो भाई ही कर रहे हैं एक्चुअली, रमेश दा और हम ही कर रहे हैं यहाँ पर, मैक्सिमम टाइम हम दो ही लोग हैं यहाँ पर। उस दिन को जो ट्री हाउस ये मतलब फ्रेम ये छत लगाने के लिए एक भैया आए थे, तो उनके बदौलत काम हुआ। अगर एक्स्ट्रा हमारे पास मतलब सामान अच्छा होता तो फिर सब कुछ मतलब ट्री हाउस का काम भी ख़त्म हो चुका होता। आगे पार्टीशन, डोर एंड देन विंडो, वही बाकी था एक्चुअली, तो ये काम रुक गया हमारा। तो कोई नहीं यार, मतलब अभी आने वाले 2-4 दिन में ये भी कम्प्लीट हो ही जाएगा, एंड लाइक हम इसे लॉक कर रहे हैं नीचे से, नहीं तो फिर काफ़ी हिल रहा है। ये देखो अच्छा खासा हिल रहा है गाइज़, आपको भी यहाँ पे आके ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ज़रूर करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं? अब आओगे ना गाइज, कैंप साइट का जो नाम है ना वो हमने सोच लिया है, एंड लाइक कुछ ही दिन में आपको रिवील करके बताएंगे कि किस नाम से जाना जाएगा ये प्रॉपर्टी। एंड चलो आप नीचे उतरते, अगर गाइज बैम्बू थोड़ा सा कम हुआ हमारा, एंड इसके चलते इसका भी हालात कुछ ऐसा ही है, अभी भी ये कम्प्लीट नहीं हुआ है, बस फिनिशिंग टच देना है, छत लगाना है बस, एंड एक छोटा सा पार्टीशन निकलना है किचन के लिए, उसके बाद उसका भी काम तो फिनिश हो ही जाएगा। एंड उसके बदौलत हमें मतलब पूरा एरिया को साफ सफाई करना है, एंड हाइजीनिक रखना है, ये तो मेरा मतलब मेन अटेंशन इस पे होगा एक्चुअली, साफ सफाई एंड हाइजीनिक, ये चीज़ ना मतलब हम ध्यान में रखेंगे एंड काम करेंगे। ओवरऑल अभी कुछ ही दिन में टेंट आने वाला है, टेंट ऑर्डर कर दिया हमने, एंड टेंट लाकर यहाँ पे मेजरमेंट कर रख कर देखेंगे कि क्या मतलब किस हिसाब से रखेंगे, कितना टेंट मतलब आने का मतलब स्पेस है, स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है, अगर वहाँ पे नहीं अटता है तो फिर कहीं पे दूसरा जगह सेटअप करना पड़ेगा, मगर इस बार हम काफ़ी कम से शुरुआत कर रहे हैं एक्चुअली, मतलब कुछ भी ना मतलब बड़े चीज़ों का शुरुआत छोटा से होना चाहिए गाइस, ये ऐसा मेरा मानना है, एंड आई थिंक आप लोग भी ऐसे ही सोचते हो, तो इसीलिए मतलब जो कैंप साइट एरिया हम बना रहे इस बार काफ़ी छोटा हम रख रहे हैं,
बस मुझे एक्चुअली स्टार्टअप चाहिए था एंड लाइक धीरे धीरे इस चीज़ को मतलब हम सब मिलकर बड़ा बनाएंगे, क्या बोलते हो? एंड क्या बता, आने वाले दिन में अगर आपका प्यार ऐसा रहा तो स्विमिंग पूल भी हो जाए यहाँ पर। बताओ गाइस, स्विमिंग पूल चाहिए कि नहीं? मगर फिलहाल के लिए ये देखिए गाइस, मतलब उतरने के लिए भी ना बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है हमें। एक्चुअली मैं एक हाथ से ही उतर रहा हूँ, काफ़ी रिक्स ले रहा हूँ। एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए मगर अब कर ही दिया तो फिर चलो बस ना गिरूं। मगर अभी तो ना मतलब ऐसा हो चुका है कि भाई मतलब यही सीढ़ी है हमारे लिए, बस एक्स्ट्रा सीढ़ी नहीं चाहिए। मगर सीढ़ी लगाना पड़ेगा, स्टेयर्स बनाना पड़ेगा, तब ना जाके मतलब कंफर्टेबली आप चढ़ पाओगे इस पर। फिर भी अभी भी हमने आपको काफ़ी सस्पेंस में रखा है इस ट्री हाउस के चलते, क्योंकि मतलब सरप्राइज़ देना है ना आपको गाइस, एक्चुअली पूरा मतलब बनने के बाद। अभी जाने से पहले एक कप चाय हो जाए, वैसे एक कप तो नहीं होगा मगर बचा कुचा चाय पीकर चलते थे। एंड जो गैस हमने खरीदा था ना ऑल इंडिया राइड के दौरान, वो यहाँ पे पूरा मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं हम एक्चुअली। एंड ये देखो दो कप, नहीं नहीं हाफ हाफ कप, दो भाई के लिए सफिशेंट है। गैस ख़त्म हो गया क्या? गैस चालू है अभी भी। सो गाइस कुछ ऐसा ही सीन, एंड शायद सभी लोगों को पता चल चुका है 20th November संडे को 11 बजे अपना राइड शुरू होगा टूवर्ड्स गाजुलडुबा विया उतलाबारी। एंड काफ़ी लोगों का DM मुझे आ चुके हैं, एंड लाइक काफ़ी लोग बोल रहे भैया मतलब हम अपने गैंग को ला रहे हैं, हम अपने मतलब दोस्तों को ला रहे हैं इंक्लूडिंग मी, लाइक वी आर 5, वी आर 10, वी आर 15, वी आर 20। एंड याद रखना गाइस 20 नवंबर का ना मतलब देसी ब्लॉगर का पहला मीटअप है सिलीगुड़ी पर, एंड ये ग्रैंड करेंगे हम, सही बता रहे हैं, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ यादें बनाएंगे, क्या बोलते हो? तो सभी लोगों को मैं दिल से इनवाइट कर रहा हूँ उस दिन 20 नवंबर को इंदिरा गांधी मैदान पर, जहाँ पे हम करने जा रहे हैं मीटअप प्लस अ बाइक रैली। तो या आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। कमिंग संडे को लेकर काफ़ी मतलब दिल हलचल हो चुका है हमारा, क्योंकि यार मतलब सही बता रहा हूँ आप लोगों के साथ ना मतलब काफ़ी कमाल धमाल क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं हम। सो विद दैट सेड गाइस, मैं स्विच वीडियो को भी यहीं पेन कर देता हूँ। एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थी, बाय बाय। एंड माफ़ी चाहता हूँ गाइस क्योंकि खांसी अभी भी अच्छा नहीं हुआ है, तो बीबीज में मुझे ना मतलब काफ़ी बार रीटेक करना पड़ रहा है क्योंकि खांसी आ ही जाता है हम बात करते करते आपके साथ। तो या चाय गर्म हो चुका है एंड चाय पीकर हम यहाँ से निकलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।